दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक और बहुत ही बढ़िया किट फन स्कूल की तरफ से जो आता है, इसका नाम है बेकरी प्लेडो। जी हाँ दोस्तों, फन स्कूल के आपने नाम सुना ही होगा, तो इसका ये बेकरी प्लेडो का पूरा प्ले सेट है 13। यहाँ पे डिफरेंट तरह की यम्मी डिशेज हम बना सकते हैं, मतलब असली के लिए नकली की। 3+ यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रहा है, और आप देखेंगे कि इसके अंदर हमें बहुत सारे कंटेंट्स मिलते हैं, बहुत सारी जो स्किल है यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हो, और काफ़ी कमाल का फिलहाल लग रहा है। कंटेंट्स देखिए यहाँ पे साथ में लिखे हुए हैं, ये बड़ी सी मशीन जो आपको पिक्चर में दिख रही है ये भी इसी के साथ में है। तो ओवरऑल आज की वीडियो में थोड़ा मज़ा आने वाला है, डिफरेंट सा वीडियो है, थोड़ा अलग सा वीडियो है। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो पहले ही लाइक कर दीजिए। मैं बढ़ता हूं इस वीडियो में आगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या है इसके अंदर। और ये मैंने खोला और ये क्या निकल रहा है भाई, उल्टा हो गया डब्बा लगता है, उल्टी साइड से खोल दिया दोस्तों मैंने। कोई बात नहीं, सामान निकाल लेते हैं, पूरा ही पलट देता हूँ भैया, मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले प्लेडो, और यहाँ पे 4 हमको बेसिक कलर मिल जाते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है भैया नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल सेफ है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है और फन स्कूल पे हमें भरोसा है। और ये है हमारी मेन बेकरी मशीन। जी हाँ दोस्तों, ये केक स्पिनिंग के लिए आपको दिख रहा है, केक इस पर स्पिन होता है। और एक कूल सी चीज़ दिखाई दे रही है यार, ये है ओवन। वाह, छोटा सा ओवन यहाँ पे दिया है हमें प्रेटेंड प्ले करने के लिए। और भी कुछ सामान है, जैसे कि ये छोटी सी मुझे एक वेइंग मशीन दिख रही है दोस्तों, और ये बहुत कूल है क्योंकि देखो इसे प्रेस करेंगे तो वो मीटर आगे पीछे जा रहा है। एक्चुअल तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत मज़ा आता है जब प्रेटेंड प्ले में ऐसी चीज़ें काम करती है। कुछ और पार्ट्स यहाँ पे हैं जो कि असेंबल करेंगे तभी पता चलेगा भैया कहाँ कहाँ लगना है। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि बहुत ज़रूरी है, कैसे कैसे आपको जो है ये बनाना है। और ये कुछ कार्डबोर्ड के ओके डब्बा वब्बा केक का जो बनाना है ना वो इससे बन जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा आप क्वालिटी चेक कर लेते हैं भैया, हमारी डो कैसी है। तो यहाँ पे ब्लू कलर की डो, अरे यार थोड़ा सा ओके हाथ से निकाल रहा हूँ, काफ़ी मतलब कि सॉफ्ट है, कलर भी काफ़ी अच्छा खासा है, बट क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। ऐसा लग रहा है डब्बा भरा होना चाहिए था। देखिए ये भी ऐसा लग रहा है जैसे आधी आधी डो है, आती ऐसे ही है जैसे ये जैसे आपको दिख रहा है, बट हमें तो मतलब ज़्यादा ही चाहिए होता है हमेशा। तो एक बार मैं थोड़ा और इसे हाथ में लेके देखता हूँ, मतलब कितनी हार्ड है, सॉफ्ट है, लाना फलाना जो भी है। एक ये बाहर निकल चुकी है और ये मैंने कट करी, यार बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है मुझे यहाँ पे। ओहो थोड़ी सी चिपचिप भी यहाँ पे लग रही है, वैसे ऐसी होती नहीं है बट यहाँ पे थोड़ी सी चिपचिप हो रही है दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं केक वे कैसा बनता है और मशीन में जाके क्या होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी चिपचिपी हो रही है, मॉइस्ट है हमारी यहाँ पे प्लेडो, और हो सकता है थोड़े टाइम के बाद हम यूज़ करें तो थोड़ी सी हार्ड हो जाए, चिपचिप ना हो। तो केक तो बनाना ही भैया, आपको दिखाना तो है कुछ ना कुछ बना के, तो मैं ट्राई करता हूँ जो भी यहाँ पे केक बनता है। तो भैया इसके ऊपर मैंने रख दिया है ये जो प्लेडो है, और ये सबसे कमाल की चीज़ दोस्तों, ये जो इंजेक्शन आपको दिख रहे हैं, शेप निकलती है अलग अलग टाइप के, हमारे पास शेप्स भी हैं। तो सारा केक जो है ना आप इसी की मदद से मैं बनाऊँगा और इन्जॉय करेंगे इस बेकरी सेट को। तो चलिए अब देखते हैं हमारा बैलेंस जो केक है वो कैसे बनता है, काफी अमेजिंग प्रोसेस है, तो चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों फाइनली हमारा केक जो है बन चुका है और ये था हमारा आज का स्पेशल बेकरी सेट का वीडियो फन स्कूल की तरफ से जो आता है। थोड़ी सी प्लेडो मेरे को यहाँ पे चिपचिपी लगी, बट वो थोड़ा टाइम यूज करते हैं तो हार्ड हो जाती है, और आप रिफिल भी कर सकते हो, अलग से जो है प्लेडो ले भी सकते हो, तो ये काफी अच्छी बात है कि मशीन हमारी परमानेंट यूज होगी। ओवरऑल मजा आया आज की वीडियो में, तो लाइक जरूर करके जाना। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।